ये वो प्लाजा जो कभी कंप्लीट नहीं होता। चार क्रंच बर्गर है यार। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज फिर से जुम्मे का दिन है और उठे हैं, तैयार शहर हो गए हैं। जुम्मा पढ़ने में भी टाइम पड़ा है, 10-15 मिनट हैं। तो अभी भाई नाश्ता अपना आ गया है, अभी नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर जुम्मा पढ़ने जाएंगे। आपको सारे दिन की रूटीन दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम मज़ेदार व्लॉग बनाएं आज का, जो आप सबको पसंद आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आपको मिलते हैं जुम्मा पढ़ के। भाई हम लोग रोज़ लेट होते हैं, फिर अजानें हो रही हैं और टाइम टाइम बहुत कम हो गया। तो अभी चलते हैं जुम्मा पढ़ने। बादल एक नंबर लेवल के बादल हो रहे हैं फैसलाबाद में। तो पहले लेट हो गया तो मस्जिद। तो भाई जुम्मे की नमाज़ वगैरह हम पढ़ के आ गए हैं, जुम्मा वगैरह पढ़ लिया था अभी आपके सामने। इमाम होते ही लेट है, हमारी रूटीन ऐसी बन गई, लेकिन आज पहली साफ में पढ़ा है शुक्र अल्लाह का। तो गर्मी भी ऐसी, और जो नई शर्ट पहनी है भाई ने मुझे गिफ्ट की है रात को, वो दो शर्ट्स लाया भाई, एक उसने लिए एक उसने मुझे गिफ्ट की है, तो उसका थैंक यू लोग के अंदर ही। तो अभी हम पापा के साथ जा रहे हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं, जो नया घर बन रहा है हमारा वो विज़िट करने जा रहे हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक हुई, क्योंकि सारा वीक जो होता है ना हमारा शॉप पर बिज़ी होता है, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम रोज़ रोज़ जाएं। तो अभी जा रहे हैं और सामने यार बादलों का सीन चेक करो कितना प्यारा है आज। पापा जी आपने कहाँ पर जुम्मा पड़ा? मैंने इसी मस्जिद में कॉल हुआ। अंदर अंदर होंगे यार? अंदर आए, सफ़े भी नहीं डाली थी। पापा भाई सुबह जल्दी तैयार शेयर हो गए बैठते हैं और हम, हमारी आँखें लेट खुलती है, क्या करें भैया, हो जाएंगे सही किसी दिन हम भी। तो अभी चलते हैं, आप लोग भी देखो, हम आपको विजिट कराते हैं सारा घर शुरू से, आप लोग देखें। आगे हैं अपने नए वाले घर में, देखो इतना प्लस्तर प्लस्तर हो गया है, सेंट्री का काम भी हो रहा है साथ साथ। तो जो घर नया बनाना होता है ये बड़ी मेहनत वाला काम होता है। अच्छा हमको नहीं बन जाते, एक को बनी है, क्या बनी है, दो चार। ये साइड वाली गली है, ये ऊपर का रास्ता है, वो आगे टीवी लोन है, ड्राइंग रूम है। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ पहले इस घर का, तो यार सब्सक्राइब भी करो साथ साथ, आप लोगों की खोपड़ी में बात नहीं बैठती कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है। वीडियो को तो वॉच करना ही करना है, तो सब्सक्राइब भी किया करो, क्यों नहीं करते आप लोग, तो सब्सक्राइब करो। ये बाहर भी मटीरियल बड़ा है, रेत बजरी ये देखो। तो अभी आपका भाई भी इधर ही खड़ा हुआ है। तो ऐसे ही यार शुक्र मेरा जुम्मे को आज व्लॉग बनाएंगे अच्छे वाला। तो अगर कोई व्लॉग में गलती चलती हो तो यार अनसब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब पक्के रहना आप लोगों ने, क्योंकि हमने इसको 1000 तक ले। मोमेंट्स लेटर। तो जी जुम्मे का दिन शिन आपके साथ हम गुजार रहे हैं, तो यार खाना शाना खा के ना, खाना क्या खाया, पकौड़े शकौड़े खाए थे, तो ना अंदर अजीब सी तबीयत हुई है, तो मैंने कहा चलो जूस वगैरह पीते हैं, कोई आइस शेक पी लेते हैं या ऐसी वैसी कोई चीज़ पीते हैं। तो जो हमारे फैसलाबाद में सबसे मेन है ना मज़े के, चागी के नाम से अगर आप फैसलाबाद में आते हैं, अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है किसी और शहर से, तो अगर जूस पीना है फैसलाबाद में आकर तो आपने यहाँ से पीना है, इनका नो डाउट बहुत अच्छा होता है। इनकी हर जूस में एक टेस्ट आता है, पता नहीं फार्मूला यूज़ करते हैं, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन मज़े का जूस होता है। तो अभी ये देखिए आज सुकून है भाई यहाँ पर, बादल शादल भी हैं, जूस शूस भी पी रहे हैं, ये अपनी गाड़ी भी शादी अपने साथ साथ होती है, और गाड़ी से आपको पता है आपके भाई को कितना ज़्यादा प्यार है। तो देखते हैं जूस हमारा कब तक आता है, वही कौन कौन सा फ्रेश जूस है आपके पास? आड़ू चेड़ी पकड़ कर आई ना नीचे।
ये भी पीछे पी रहा है गोंगलू, इसका मैंने नाम रखा है गोंगलू। देखो ना कटिंग रहा है, गोंगलू हो गया इसका फेस और सर एक जैसा हो गया, पता ही नहीं चल रहा। कौन सा शेक पी रहे हो? चॉकलेट शेक। मेरी नकल करता है, मैंने चॉकलेट मंगाया, उसने भी चॉकलेट। मैं आप लोगों को हर ब्लॉग में कहता हूँ, जो रिक्शे वाले होते हैं इनसे आपने खुद बचना होता है, ये कभी भी आपका एहसास नहीं करते। ये ऐसा ओवरटेक करते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है और निकलते भी एकदम से हैं कि ना पता ही नहीं चलता भाई ये किधर से आ गए। तो बस अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रह के यार अपनी अपनी एहतियात के साथ ड्राइविंग की करो। चेज़ब चेज़ब लोग करते हैं, लेकिन मुझे ना ये लंडा लगता है, जैसे लंडा बाजार नहीं होता, फैंसी लंडा बाजार आप कह रहे हो। सबसे मतलब लोकल चीज़ें हैं यहाँ पे, मैंने एक दो दफ़ा ली हैं, तो यहाँ पे लोकल चीज़ें मिलेंगी आपको, अच्छी चीज़ें एक भी नहीं है। तो चेज़ब मेरे नज़रिए के मुताबिक ये है, बाकी हर बंदे का अपना अपना डिसीजन है भाई, लोग लाइक भी करते हैं नहीं भी। यार पहले आज जूस शूस पी के ना एक दो जगह काम थे हम वहाँ चलेंगे, तो अभी आए हैं वहाँ से, आकर क्या हुआ सो गया था मैं आपका भाई, जब तक जुम्मे को सोए ना कसम से मज़ा नहीं आता भाई। तो अभी सो के उठे हैं, तो अभी कुछ चीज़ चूज़ खानी है, डिनर शिनर कोई नहीं किया हुआ, तो वो लेने लेने जा रहे हैं। तो यार सब्सक्राइब तो कर दो, सारा दिन देखो आपके साथ साथ हम घूमते हैं सारा दिन, ठीक है? लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मर्जी है आपकी, तो यार सब्सक्राइब किया करो, कुछ नहीं होता। ये वो प्लाजा जो कभी कंप्लीट नहीं होता है। भाई ऐसे मुंह होते हैं बर्गर खाने वाले, ऐसे होते हैं ऐसे शक्ल है बर्गर खाने वाले। तो जल्दी बार भाई रश के अंदर डील लेना सबसे मुश्किल काम तो होता ही है, लेकिन मेरा इतना लेट हुआ है कि भाई भी निकल के बाहर आ गया। सुबह जो शर्ट नहीं गिफ्ट की, वो इस भाई ने गिफ्ट की थी, इसका मैं थैंक यू कह रहा था भाई, शुक्रिया। आप मुंह दिखा दो फिर, आप कहते हो मुझे लाए नहीं। ये भाई कहता है मेरे से स्क्रीन वो बना के शॉर्ट्स लाते नहीं, लेकिन यार भाई का भी थैंक यू अपना। तो चलो चलें जल्दी जल्दी घर से, सारे वेट कर रहे हैं अपना। तो भाई आज का व्लॉग हम यहाँ पर ही करते हैं एंड, सारा दिन आपको दिखाया जो जो हमने किया, इसके बाद मुझे नहीं पता अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैंने रेस्ट करनी है, सोसू जाना है। तो यार एक और मसला, अगर आप पब्लिक प्लेस में जब भी जाते हैं ना, जैसे KFC या कोई भी है, तो वहाँ व्लॉग नहीं बनता, मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती है, एक तो फैमिलीज़ वगैरह होती हैं, तो अच्छा नहीं होता ना, कोई बंदा भी इतराज़ करे, तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और ये देखो कितना सुकून है यार यहाँ पर, तो अल्लाह हम सब की ज़िंदगी में सुकून दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।